नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक नई चीज हो गई है। अभी क्या है कि चुनावी माहौल चल रहा है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे का बिल्कुल सामने आ चुका है। अगले हफ्ते तीसरे चरण का चुनाव हो जाएगा। दोस्तों उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक शॉकिंग न्यूज आ गई है। दरअसल खबर ये है कि दिल्ली कांग्रेस में जो उसके अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये चलते हुए चुनाव में सोचे इस्तीफा दे दिया है। कारण क्या है पूरा बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या उन्होंने अपने इस्तीफे में बोला है, लेकिन इसका कई मायने हैं। क्योंकि चुनाव से पहले या इस्तीफा देते या तो चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, लेकिन अगर बीच चुनाव में इस्तीफा देना पड़ता है तो इसके मायने कुछ अलग होते हैं, उसका चुनाव में काफ़ी असर पड़ता है। दोस्तों आइए पूरी खबर को समझते हैं पूरा विस्तार से कि ऐसा क्या हुआ है कि अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है अपने अध्यक्ष पद से। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। ये महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों खबर ये है, आज अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो कांग्रेस पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है उसकी वजह से वो काफ़ी नाराज थे। उन्हें अब खुद को भी पीड़ा थी और उनका ये कहना है कि दिल्ली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी इससे समस्या थी, वो भी नाराज थे कि आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसने कांग्रेस पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत उनको भला बुरा कहा था, भ्रष्टाचारी बोला था, मतलब जितना भी अनैतिक कह सकते थे कांग्रेस पॉलिटिकल लाइन लेकर के उतनी सारी गलत बातें बोली थी। ये सारी चीज़ें अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे के माध्यम से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उनको बता दिया कि ये एक परेशानियाँ थी, इसकी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। साथ ही उन्होंने एक मुद्दा और भी उठाया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। ओवरऑल दिल्ली में 7 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस 3 पर लड़ेगी, 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो वो जो 3 सीट है उसमें जो महत्वपूर्ण लोगों को मिलनी चाहिए थी टिकट, इनको नाराजगी उस टिकट बंटवारे से भी है। दोस्तों इनका ये कहना है कि उसमें से 3 लोगों में से 2 लोग तो ऐसे हैं उनको टिकट मिल गया है जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, जो दिल्ली के लिए अजनबी हैं। उसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो चुनाव लड़ा है कन्हैया कुमार बहुत ही फेमस चेहरा है, ये छात्र राजनीति से उभरते हुए आए हैं, कांग्रेस पार्टी में अभी हैं। दूसरे एक नेता हैं जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नाम उदित राज। ये वो उदित राज हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे लोकसभा का और चुनाव जीते थे, और मोदी की जो गवर्नमेंट थी मोदी जी की पार्ट 1, ये उस वक्त भाजपा के साथ थे। फिर उसके बाद इन्होंने भाजपा से निकलकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और तब से कांग्रेस के साथ ही हैं। तो एक टिकट इनको वहाँ से मिल गई, अब एक इनके कार्यकर्ता दूसरे को मिल गई। तो अरविंदर सिंह लवली को इससे परेशानी थी कि आम आदमी पार्टी आ गई हमारे साथ जिसकी वजह से हमको टिकट सीट्स कम मिली और हम अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाए, 2 लोग बाहरी लोगों को टिकट दे दी, तो एक तो ये पीड़ा थी। अब दोस्तों रही बात कि ये चुनाव से पहले चलते हुए चुनाव में ही क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? भाई गठबंधन की बात तो पहले से चल रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, अभी टिकट बंटवारे हुए उसके बाद से आपके मन में कुछ चीज़ें आई, इसका मतलब या तो कुछ महत्वाकांक्षा होगी चुनाव लड़ने की। अच्छा दोस्तों, लेकिन एक चुनाव लड़ने की बात जहां पर है वहीं से एक बात और भी है, इन्होंने अपने इस्तीफे को
इनको जब दिया अपने पद से, तो इन्होंने इनसे पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तब इनका ये कहना था कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र नहीं दे रहा हूँ, अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे रहा हूँ, मतलब अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा। इससे पहले भी ये अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि 2015 में ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे दिल्ली प्रदेश के, उस वक्त जब चुनाव हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव, उसमें 70 सीट में 67 सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, तो इन्होंने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दे दिया था कि मैं पार्टी को जितवा नहीं पाया, उसमें कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, 3 सीट भाजपा को मिली थी, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। बहुत ही मतलब शर्मनाक हार हुई थी भाजपा की और कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ पे गेन करी थी, बहुत ही अच्छा किया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये टाइमिंग को ले करके शंका तो होती है कि लवली जी ने ऐसा क्यों किया, अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी तो गठबंधन पहले से तैयारी हो रही थी कि गठबंधन होगा, आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल हो रही है, जिसको इंडिया अलायंस बोला जा रहा है, इंडिया बोलते हैं, तो वो इनकी बात में दम नहीं है कि गठबंधन की वजह से हम अलग इस्तीफा दे रहे हैं अपनी अध्यक्ष पद से। दूसरी चीज टिकट बंटवारे को लेकर इनको ये हो सकता है कि 3 लोगों को जो टिकट दिया है उसमें शायद इनका नाम नहीं था, या इनके चहेते अगर कोई हो उनको ये टिकट दिलवाना चाहते हों, शायद वो नहीं मिला इनको, इसलिए इनकी नाराज़गी हो सकती है, या कोई दूसरा और रीज़न हो सकता है। लेकिन ये जो बात बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आती कि ऐसा कुछ हुआ होगा। दोस्तों अभी यही न्यूज है, अब पॉलिटिकल न्यूज़ें अब ऐसे ही आती रहती हैं, आपके लिए कुछ और न्यूज़ लेकर आऊँगा। धन्यवाद।